श्रोताओं, आज का कमेंट लिया है हमने श्रीमान अशोक यादव जी का। इनकी पहेली है, राज पाए के राजा रोबे, सेज पाए के त्रिया, रोग पाए के रोगी रोबे, जंगल बीचे जोगिया। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही सुंदर और ज्ञानात्मक वीडियो मिल सकें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। आइए श्रोताओं, अब हम श्रीमान अशोक यादव जी की पहेली का जवाब प्रस्तुत करते हैं। राज पाए के राजा रोबे, सेज पाए के त्रिया, रोग पाए के रोगी रोबे, जंगल बीचे जोगिया। तो श्रोताओं, एक पहेली में चार कहानियां हैं, इसलिए ध्यान से सुनना, पहेली थोड़ी लंबी भी हो सकती है। राज पाए के राजा रोबे। श्रोताओं, राज पाकर के कौन रोया था? तो ये प्रसंग इनका रामायण से है। जब भगवान श्री राम को वनवास हो गया था, तो उस समय केकई ने भरत जी के लिए राज्य मांगा था, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास था। तो श्रोताओं, भरत जी राज्य को पा करके रोए थे, और वो राज्य नहीं करना चाहते थे। इस कहानी को आप सभी जानते हैं। तो इनकी पहली लाइन के चौथे भाग का जवाब लग चुका है, राज पाए के राजा रोए। तो राजा कौन रोया था? भरत जी रोए थे राज्य पा करके। सेज पाए के त्रिया। अब सेज को पा करके कौन सी त्रिया रोई थी? श्रोताओं, ये प्रसंग इनका महाभारत से है। प्रसंग उस समय का है, जब पांडु महाराज के लिए हिरण और हिरणी ने श्राप दे दिया था कि तू संभोग करेगा तो उस समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि पांडु ने एक दिन जंगल में संभोग करते हुए हिरण हिरणी पर बाण चला दिया था, तो हिरण ने उसे मरते हुए श्राप दिया था। तो इसी क्रम में एक दिन राजा नदी के किनारे जाता है, और माधुरी रानी भी वहीं होती है। हवा तेज चलती है, मौसम सुहाना होता है, और माधुरी का वस्त्र थोड़ा हवा से उठ जाता है, तो राजा उस पर मोहित हो जाते हैं। पांडु थे जो मोहित हो गए और श्राप को भूल गए। जब श्राप को भूल गए तो उन्होंने माधुरी के साथ संभोग किया और वो मारे गए, अर्थात श्राप के कारण मर गए। तो सेज पाए के त्रिया। तो सेज पाए के त्रिया कौन रोई थी? माधुरी। तो श्रीमान अशोक यादव जी, हमने आपकी दो लाइनों का जवाब बहुत जल्दी प्रस्तुत कर दिया है। अब हम तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं, रोग पाए के रोगी रोबे। अब ऐसा रोगी कौन था जो रोग पाकर के रोया था? तो श्रोताओं, ये प्रसंग है कृष्ण के पुत्र सांब का। श्रोताओं, आप जानते हैं कि सांब भगवान श्री कृष्ण और उनकी एक रानी थी जामवंती, उनका पुत्र था। दिखने में बहुत सुंदर था कृष्ण जैसे ही, उसके हालचाल सभी कुछ कृष्ण जैसा ही था। तो श्रोताओं, हम कहें तो एक तरीके से जितने भी उनके हाव भाव थे, वो सब भगवान श्री कृष्ण के से ही थे। तो श्रोताओं, वो भी इसी प्रकार से परेशान करता था। सभी में प्यारा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण की 16108 रानी और पटरानियां सभी सांब से प्यार करती थीं। तो श्रोताओं, एक दिन नारद जी आते हैं
तो नारद जी को भगवान श्री कृष्ण नहीं मिलते हैं और वो सांब भी मिल जाता है। सांब नारद जी को बेवकूफ बनाते हैं और स्वयं ही कह देते हैं कि मैं कृष्ण हूँ। तो नारद जी उनकी पढ़ाई करते हैं और उनसे मिलकर के चले जाते हैं। नारद जी जाने से पहले उनसे एक ऋचा पूछते हैं जिसका सांब गलत उत्तर बताता है। नारद जी स्वर्ग लोग जाते हैं और उस ऋचा का वर्णन करते हैं। इस पर ऋषि जो बृहस्पति गुरु थे वो हंसते हैं कि आपकी गलत है ये ऋचा, और वो उनके लिए उसका उल्लेख बता देते हैं। श्रोताओं, उसके बाद में नारद जी दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कृष्ण के पुत्र सांब ने मुझे मूर्ख बनाया है। अब तो नारद जी उनसे बदला लेना चाहते थे। तो श्रोताओं, नारद जी गुस्से में आए तो दरवाजे पर उन्हें बलराम जी मिले। बलराम जी को प्रणाम किया और कहा, जो ये कृष्ण का पुत्र सांब है, ये कृष्ण की एक रानी से प्यार करता है। तो श्रोताओं, बलराम जी ने कुछ नहीं सुना और पंचायत बुलाई और भगवान श्री कृष्ण भी उसमें सम्मिलित थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 12 वर्ष के लिए घर से देश निकाला दे दिया। उधर उसकी जो माँ थी जामवंती, उसने उसके लिए कोड़ी होने का श्राप दे दिया। तो श्रोताओं, जब उसको कोड़ का रोग मिला तो सांब बहुत दुखी हुए। उन्होंने बहुत याचना की लेकिन देश निकाला दे दिया गया। और उसके बाद में वो जंगल में भगवान शिव शंकर की तपस्या करने लगे। तो उनके लिए बाद में भगवान सूर्य का रास्ता बताया गया कि आप भगवान सूर्य की तपस्या करो। तो सांब सूर्य की तपस्या करने लगे और भगवान सूर्य ने उनसे चंद्रभागा नदी में स्नान करने के लिए कहा। चंद्रभागा नदी में स्नान करते ही उनका कोढ़ ठीक हो गया था और उसके बाद में 12 वर्ष बाद वो घर लौटे थे। श्रोताओं, इनकी कथा लंबी है लेकिन मैं आपको बता दूं कि सांब जो कि कृष्ण का पुत्र था वो रोग पाए के रोगी, तो उनको जैसे ही रोग मिला और वो रोगी हुए तो बहुत अधिक रोए, दुखी हुए कि उन्हें व्यर्थ में ही रोग मिला है। रोग पाए के रोगी रोवे, जंगल बीचे जोगिया। अब जंगल के बीच में जोगी कौन रोया? तो श्रोताओं, ये कथा है मांडव्य ऋषि की। एक बार की बात है, मांडव्य ऋषि खांडव वन में तपस्या कर रहे थे, वहीं उनकी कुटिया बनी हुई थी। तो श्रोताओं, कुछ लुटेरे आते हैं और वो उस ऋषि से निवेदन करते हैं कि हमारे पीछे कुछ लुटेरे पड़े हुए हैं और हमको लूटना चाहते हैं। मांडव्य ऋषि ने उनको व्यापारी समझा और उनसे कहा कि आप अपने धन को इस मेरी कुटिया में रख जाओ और पीछे के रास्ते से निकल जाओ। श्रोताओं, इस प्रकार से मांडव्य ऋषि उनको निकाल देते हैं। थोड़ी देर बाद राजा के सिपाही आते हैं तो वह धन उस मांडव्य ऋषि की कुटिया में मिल जाता है। तो वो सिपाही उस पर आरोप लगाते हैं कि हे ढोंगी महात्मा, तू भी इसमें सम्मिलित है, चलो अब इसका निर्णय तो राजा ही करेगा। राजा के पास जो सिपाही थे वो उस ऋषि को ले जाते हैं और राजा उन्हें सूली पर चढ़ाने का आदेश दे देते हैं। श्रोताओं, जब उन्हें सूली पर चढ़ाया गया तो वो अपने तपोबल से उनका कुछ नहीं बिगड़ा और सूली चुभ करके वापस चली गई और वो नहीं मरे। तो इस प्रकार से जब ये राजा को ज्ञात हुआ तो राजा ने ऋषि को उतारने का आदेश दिया, लेकिन ऋषि मांडव्य ने उतरने से मना कर दिया और कहा कि अब मैं स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ और इसका निर्णय तो धर्मराज ही करेंगे।
तो श्रोताओं, जब वो धर्मराज के पास गए और कारण जाना कि मुझे सूली क्यों दी गई है, तो धर्मराज जी ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तो कीट पतंगों में कांटा चुभते थे, इसलिए तुम्हें ये सजा मिली है। तो इस पर मांडव्य ऋषि ने कहा कि बाल्यपन में 12 वर्ष तक अगर कोई दोष करता है तो वो दोष नहीं माना जाता है। पहला तो आपका ये दोष है। दूसरा दोष, जो पाप किया है तो दंड की मात्रा उसी के अनुसार होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जाकर के एक शूद्र माता से जन्म लोगे और वहाँ मनुष्यों की न्याय और अन्याय की गुत्थियाँ सुलझाते रहोगे। तो श्रोताओ, जंगल बीच जोगिया, तो जंगल बीच में जोगिया कौन रोया? मांडव्य ऋषि। तो श्रीमान अशोक यादव जी, आपकी पहेली यही लगती है। मैं इसका अर्थ दोबारा बता रहा हूँ। राज पाए के राजा रोए, तो राज पाए के राजा कौन रोया? भरत जी रोए थे जब उनको राज्य मिला। सेज पाए के तिरिया, सेज पाए के तिरिया कौन रोई थी? माद्री, क्योंकि जैसे ही पांडु और माद्री का समागम हुआ तो पांडु जी मर चुके थे और माद्री विधवा हो गई, हालांकि वो उन पर सती हुई थी। तो सेज पाए के तिरिया कौन रोई? माद्री। रोग पाए के रोगी रोवे, रोग किसको मिला श्राप के कारण? भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब को कोड़ी होने का, तो वो उस कोड़ी होने के लिए रोए, पछताए और कहा कि मुझे व्यर्थ में ही ये श्राप मिला है, जबकि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तीसरा, चौथा, जंगल बीच जोगिया, और जंगल बीच में जोगी कौन रोए? मांडव्य ऋषि, कि मेरी कोई गलती नहीं है, गलती नहीं होते हुए भी फांसी पर चढ़ाया गया। तो जंगल बीच में जोगी कौन रोए? मांडव्य ऋषि। श्रोताओ, इस प्रकार से श्रीमान अशोक यादव जी की इस पहेली का जवाब लग चुका है। बोलो जय हिंद।